Hi, my name is Zoha. I'm a full-time traveler and freelancer. इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप कैसे फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो और आप अपने अंदर जो आपका एक टैलेंट है आप फ्रीलांसिंग का, आप उसको कैसे निखार सकते हो. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फ्रीलांस वर्क. एक चीज और है कि ये वीडियो को थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, सो बेयर विथ मी. अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो फ्रीलांस को लेकर तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना. आई नो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे और दी अदर. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात, आजकल ब्लॉगिंग व्लॉगिंग ये सब जो है ये काफी प्रेवलेंट है और मैं देखती हूँ कि काफी लोग करते हैं इसको. कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका पैशन है, उनको पसंद है ये करना, और कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं. तो अगर आप इसलिए कर रहे हो कि क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि उससे काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं तो मत करो. सबसे पहली बात, बिकॉज आप खुद खुश नहीं होगे, आपको वो काम लगेगा, तो उससे अच्छा आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में काम वही कर लो एंड इट वुड पे यू ऑफ बेटर, बिकॉज आप अभी भी वो सिर्फ काम समझ के ही कर रहे हो. अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, पैशन है, आपको लगता है कि आपको वो चीज करना पसंद है, तभी करो. बिकॉज एवरीथिंग लाइक एवरी पर्सन इज मेंट टू डू समथिंग एल्स, और हर इंसान की अपनी एक अलग पसंद और नापसंद होती है. तो इफ यू लाइक क्लिकिंग पिक्चर्स, इफ यू लाइक राइटिंग, इफ यू लाइक मेकिंग वीडियोज, इफ यू you know generally like any of these things, then only jump into this content creation field. Now agar aap matlab log aajkal zyada jante nahi hai iske bare mein, you know unko lagta hai ki do teen cheezon tak limited hai, aisa nahi hai. Agar aap freelance work dhoond rahe ho to aapke paas variety of options hai iske liye. Sabse pehli cheez is फॉर राइटर्स जिनको लिखना पसंद है, एंड यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं करूँ जिनका एक क्रिएटिव स्किल है लिखने की, या यू नो मतलब यू नो दे हैव दिस क्रिएटिविटी, पोएटिक है वो, यू नो पीपल हु आर रियली गुड एट राइटिंग. मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ. इवन इफ यू आर नॉट दैट गुड एट राइटिंग बट यू नो द बेसिक इंग्लिश और हिंदी या जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो, यू कैन इजिली क्रिएट अ प्रोफाइल. I would suggest start with an Instagram profile and then you can extend it later into a website. And आप factual contents लिख सकते हो. And आपका content जो है ना, you can always improve it. आप बहुत सारे online applications आपको मिल जाएंगे, आपको grammarly मिल जाएगा, आपको plagiarism check करने के लिए मिल जाएगा, आपको काफी कुछ मिल जाएगा. तो you can just write the factual. आपको जिस भी चीज के बारे में you know कुछ ना कुछ तो पसंद होगा. आपको गेम्स खेलना पसंद है, यू कैन राइट अबाउट गेम्स, हाउ टू प्ले, यू कैन मेक अ कम्प्लीट गाइड ऑन प्लेइंग गेम्स जस्ट बाय सेटिंग. इफ यू लाइक कुकिंग, यू कैन मेक अ कम्प्लीट वीडियो फॉर दैट. यू कैन इवन मेक लाइक ब्लॉग्स फॉर कुकिंग. यू कैन डू एनीथिंग. आपके पास आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप पहले देखो आप कि आपको करना क्या पसंद है, टेक दैट थिंग, एंड उसके बाद आप सोचो कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म कैसे दे सकते हो. ठीक है, आजकल मतलब वी लाइक जो हमारी जनरेशन है या हम मतलब हमारी आसपास की ऊपर नीचे की जो भी जनरेशन है, कोई भी काम करने से पहले वो या तो गूगल करते हैं उसे या तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं. तो आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो. इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू ट्रैवलिंग, फूड एंड मेकअप. नो इट्स नॉट. यू कैन मेक योर ब्लॉग्स एंड योर व्लॉग्स ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड बस ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही ना, अगर आप फ्रीलांस वर्क स्टार्ट करो एंड यू थिंक यू आर लुकिंग आउट फॉर मनी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ऑफ, बिकॉज बहुत पेशेंस चाहिए होता है. किसी का बहुत जल्दी वायरल हो जाता है कॉन्टेंट एंड दे गेट हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ लाइक्स एंड कॉमेंट्स एंड अप्रिसिएशन, एंड कुछ लोगों को काफी टाइम लगता है, बट टाइम के साथ साथ वो अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो उनको जरूर मतलब सफलता मिलती है. नाइस हिंदी जो आप. तो ये रहा फिलोसफिकल एजेंडा. नाउ कमिंग ऑन टू द वर्क्स दैट यू कैन एक्चुअली टेक अप, जो टास्क आप करके फ्रीलांस वर्क में एंटर कर सकते हो. सबसे पहली चीज इज ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग, जिसके मैंने ऑलरेडी बता दिया. द ब्लॉगिंग इज एक्चुअली एक वेबसाइट जिसके अंदर आप लिख सकते हो आर्टिकल्स, स्टोरीज, जो भी आपको यू नो ऐसा कुछ जो बाकी लोगों को बेनिफिशियल हो. नाउ आजकल इंस्टाग्राम पे भी लोग अपने पेजेस को काइंड ऑफ ब्लॉग्स बोलते हैं. That's not actually blogs, but if you want, you can call them Instagram blogs. So, if you are into blogging, I would definitely suggest कि आप website बनाओ, because that gives you a vaster, मतलब आपके पास ज़्यादा options होते हैं. But you can always start with Instagram because वो काफी अच्छा platform है. You can write, you can post pictures about it, and वो आजकल मतलब Instagram पे एक post भी viral हो गया तो people can know about you, know about your talent, know about your दिस होल थिंग जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो.
सेकेंड चीज इज वीडियोज. तो वीडियोज के लिए यूट्यूब हैज बिन द बेस्ट एंड विल बी द बेस्ट. आप यूट्यूब पे किसी भी टॉपिक पे जो भी आपको पसंद है आप उसके वीडियोज बना सकते हो एंड लेटर उनके जो एक प्रॉपर मतलब एजेंडाज होते हैं उसको आप जब मतलब सक्सेसफुली अचीव कर लेते हो उसके बाद यू कैन मोनेटाइज योर वीडियोज. एंड जो एडवर्टाइजमेंट से गूगल एड्स से जो पैसा एडसेंस से मिलता है उसके अलावा भी बहुत सारे आप डील्स करके एंड यू कैन अर्न मनी. तो दीज टू आर द इजिएस्ट ऑफ थिंग्स फॉर ब्लॉगिंग. इसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ कॉपी पेस्ट वर्क. आप चाहे तो कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी और कंपनी के लिए, मैगजीन के लिए, प्रोफाइल्स के लिए. बहुत सारे लोग होते हैं, रीच आउट आप उनको करना होता है. आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं लाइक फीवर. और यू नो द बेस्ट थिंग इज टू डायरेक्टली अप्रोच देम बिकॉज वो एक बिल्डिंग रिलेशनशिप बनाता है. यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम ऑन योर इंस्टाग्राम, ऑन ईमेल, ऑन लिंक्डइन, अ लॉट ऑफ पेजेस. पर उसके आपको अप्रोच करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो. जिस चीज में आप अच्छे होगे आपके लोग आपको ऑलरेडी रीच आउट करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज दे विल सी दैट यू आर डूइंग गुड. सो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आप सबसे पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो. दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, इंस्टाग्राम और यूट्यूब. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो टीच ऑनलाइन. ऑनलाइन काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जिसपे दे ऑलवेज लुक आउट फॉर टीचर्स फॉर टीचिंग. तो आप वो कर सकते हो. यू कैन बी ऑनलाइन टीचर एंड दैट पेज ऑफ क्वाइट वेल. नेक्स्ट चीज जो है यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन बी अ वेब डिजाइनर. इफ यू आर समबडी हु नोज अबाउट वेबसाइट्स एंड कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट स्टफ यू कैन डू अ रियली गुड जॉब एंड दैट पेज रियली रियली वेल. So there are a lot of things, you know, you can give online tuitions, you can teach for online applications, you can write articles for different people. There are a lot of things once, you know, you start searching for it. आप एक बार उसके बारे में पता करने की कोशिश करोगे तो अगर आपका सच में इंटरेस्ट होगा ना यू विल डेफिनेटली कम आउट विद समथिंग और दी अदर. तो वॉट आई वुड से सबसे पहले आप अपने अंदर के जो हीरा है ना उस हीरे को आप निकालने की कोशिश करो. आप पहले देखो आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है एंड आफ्टर दैट ओनली स्टार्ट डूइंग समथिंग. एंड इसके मामले में मैं ये बोलूंगी कि यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट इंस्टाग्राम. इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है बट दे नीड सम काइंड ऑफ अ क्वालिफिकेशन. आप अगर पढ़ाना जा रहे हो तो भी यू नीड टू बी एजुकेटेड योर सेल्फ. If you you know you are starting, you want to be the web developer, you need to know about that. But Instagram or YouTube दो ऐसी चीजें हैं जो आप आपके पसंद के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो. Now the last thing is to be a writer, like to write a book. That also needs some factual information that you should have or some writing skills, some story weaving skills. Something or the other, but if you're good at writing, books can also pay off very good, very well if they go, like if they work right. So I think this would a short video. मतलब मैं जितने कम में मैं समझा सकती थी मैंने उसे बेस्ट चीजों की बात करी जिसका मुझे एक्सपीरियंस है जो मैं जानती हूँ दैट कैन पे ऑफ वेल एंड दैट आई नो दैट आई हैव डन और माई फ्रेंड्स हैव डन. मैंने सिर्फ उनकी बात करी है. आप और भी अगर आप ऑप्शन जानते हो तो मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में नीचे बताना एंड आई विल सर्च अबाउट इट एंड आई विल मेक अनदर वीडियो. ऑल्सो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशनल वीडियो जिसमें मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें आप लोगों को बताती हूँ. And I know quite a bit about social media too. So if you want to know how to increase your social medias, you can also comment down below. अगर मुझे लगा कि काफी लोग interested हैं तो I will definitely make a video on that. Till then, Nagaland की series जल्दी आने वाली है episode 2. So keep watching and subscribe कर देना please. Like कर देना ये video and share this with anyone that you think would get benefit out of it. So see you in the next video. Bye.